हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी विद माय सेल्फ विद अभिलाषी शर्मा। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक जिसको हिंदी में व्यापारिक बैंक कहते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड विद मी टू डिस्कस टुडेज कंटेंट। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह एक बात ध्यान रखो, वीडियो को देखना है तो फुल स्क्रीन पे देखें, ईयरफोन यूज़ करोगे तो कंटेंट क्लियर सुनाई देगा। तो बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या है। इससे पहले मैं एक आपको बड़ा इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। किसी भी देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास, वो मेनली दो बातों पर डिपेंड करता है। वन इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। सेकेंड वन इज द क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण। ये दोनों क्या होते हैं? जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस एक्टिविटीज में पैसा इन्वेस्ट करता है, जितना भी उसे पैसा लगाया बिजनेस में, दिस वन इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण कहते हैं उसको। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है? टोटल अर्थव्यवस्था में मैक्सिमम पैसा प्रोवाइड करना, उधार देना लोगों को, जिसे साख कहते हैं हिंदी में। जितना ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल होगा मार्केट में किसी देश की अर्थव्यवस्था में, उतना ही वो अर्थव्यवस्था तेजी के साथ डेवलप करेगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस ये दोनों है, और दोनों को करने वाली जो मेन इंस्टीट्यूशन है क्रेडिट क्रिएशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, वो है बैंक्स। बैंक्स या बैंक क्या होते हैं? जो बैंकिंग का कार्य करें वो बैंक। बैंकिंग के कार्य क्या होते हैं वो हम आगे बात करते हैं। तो एक बात बता दूं, जो बैंक है किसी देश में, दो टाइप के बैंक देखने को मिल रहे हैं हमें। वन इज द सेंट्रल बैंक, सेकंड वन इज द कमर्शियल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है, जो देश के टोटल मॉनेटरी सिस्टम पे कंट्रोल करता है सरकार की नीतियों के अनुसार, उस देश की, जो देश में करेंसी को प्रिंट करने का कार्य करता है, वो सेंट्रल बैंक होता है। जैसे हमारे देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही हर देश का अपना सेंट्रल बैंक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कमर्शियल बैंक पे है, व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक आपको मैं एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं। जैसे हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत से बैंक हैं। ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज क्या है? कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब व्यापारिक गतिविधियां, जैसे प्रॉफिट कमाना ज्यादा से ज्यादा। कैसे कमाएंगे प्रॉफिट? जो कमर्शियल बैंक है इनके प्रॉफिट कमाने का मेन मकसद कैसा, मेन आधार क्या होता है? जब ये प्रॉफिट कमाते हैं, ये लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, और लोगों का पैसा अपने पास जमा रखते हैं, उस पर भी ब्याज देते हैं। जो पैसा लोन में देते हैं उस पर ब्याज लोगों से लेना, और जो लोग इनके पास पैसा जमा करवाते हैं उस पर ब्याज देना, पर दोनों में गैप होता है। ब्याज देते कम है और लेते ज्यादा है, यही इनके प्रॉफिट का मेन आधार है। क्योंकि जैसे बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है? लाभ कमाना। ऐसे ही व्यापारिक बैंकों का मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना है। प्रॉफिट का मेन आधार क्या होता है आप समझ रहे हो? डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड ऑन सेविंग्स, समझ लगा? अगर हम कमर्शियल बैंक को इसके काम के आधार पर, जिसके कारण ये एग्जिस्टेंस में आए, कुछ डेफिनेशन में इसको बांधना चाहें तो क्या कह सकते हैं? कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स व्हिच कलेक्ट्स मनी फ्रॉम दोज पीपल हु हैव सम स्पेयर और सरप्लस मनी विद देम आउट ऑफ देयर इनकम वट एवर दे गेट एंड आल्सो गिव द लोन टू दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ इट। जिन लोगों को लोन की जरूरत है भाई, उस वो बैंक से ले लेते हैं, और जिनके पास सरप्लस है वो बैंक में जमा करने के लिए दे देते हैं। ऐसी सारी वित्तीय संस्थाएं जो ये काम करती हैं गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली, उनको हम कमर्शियल बैंक का नाम कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं आज के टॉपिक का सेकंड पार्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शन को अगर हमने देखना तो तीन हिस्सों में बांट कर देखते हैं। वन इज द प्राइमरी फंक्शन, सेकंड वन इज द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, थर्ड वन इज द फंक्शंस व्हिच रिलेट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन, किसी भी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी कॉन्सेप्ट के जो बेसिक, जिसको प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं, वो क्या होते हैं? जिसके लिए उस चीज की एग्जिस्टेंस बनी, जिसके कारण उस चीज की स्थापना हुई,
जिसके कारण वो संस्था बनी, जिन कामों के कारण, जिसके का मतलब है जिन कामों के कारण, उन सभी कार्यों को हम उस संस्था के प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं। सिमिलर इन केस ऑफ कमर्शियल बैंक वी कैन से ऑल दोज फंक्शंस ड्यू टू विच एनी कमर्शियल बैंक कम्स इनटू इट्स एग्जिस्टेंस आर नोन एज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, उनमें सबसे पहले जो फंक्शन है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। जिन लोगों के पास भी, जिन व्यापारिक संस्थाओं के पास भी कुछ सरप्लस पैसा है, उसको अपने पास जमा करवाना, डिपॉजिट करवाना, डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करना, ये कमर्शियल बैंकों का सबसे मेजर प्राइमरी फंक्शन है। पैसा जमा करवाने के लिए डिफरेंट टाइप के अकाउंट खोले जाते हैं एक कमर्शियल बैंक्स में, जिसमें पैसा जमा कर सकता है कोई कस्टमर अपना। कौन कौन से अकाउंट है, जस्ट लाइक करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, ये स्पेसिफिकली बिजनेसमैन के लिए है, व्यापारियों के लिए, क्योंकि एक व्यापार ने दिन में 100 times भी बैंक में ट्रांजेक्शन करनी है, पैसा लेना देना है, चेक जा रहे हैं आ रहे हैं। बड़े बिजनेस हाउसेज हैं तो 1000 times बैंक ट्रांजेक्शन होती है एक ही दिन में। तो क्योंकि वो बार बार बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक उनको फैसिलिटी दे रहा है अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन की, पैसे की मूवमेंट की, तो उस हालत में जो अकाउंट व्यापारी खोलते हैं बैंकों में, उसको करंट अकाउंट कहते हैं, चालू खाता। ये व्यापारियों के लिए होता है। इसमें आप दिन में कितनी मर्जी बार पैसे निकालो, कितनी मर्जी बार जमा करो, बैंक ने अपना खर्चा लेना है आपको फैसिलिटी देने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट कमर्शियल जो बैंक है वो करंट अकाउंट में नहीं देते, किसी तरह कोई ब्याज नहीं देते पैसा जमा पर, ज्यादातर यही देखने को मिलता है। सेकेंड वन इज द सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, बचत खाता। भाई हम जैसे लोगों ने, जिन्होंने पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करना है बैंक में, कोई गरीब है, उसने 10, 20, 50 रुपए करके अपने 500 रुपए कमाए और जमा किए उसमें अकाउंट में, तो वो जो खाता खोलता है उसको हम सेविंग अकाउंट या बचत खाता कहते हैं। इसमें आप लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो, अपनी मनमर्जी से ज्यादा इसमें एक ही दिन में ज्यादा लेन देन नहीं कर सकते। तो इसमें एक बात ध्यान रखें, इसमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बैंक ब्याज देते हैं कस्टमर को। इसके अलावा है फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। जब कुछ लंबे समय तक कस्टमर अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, उसको हम FD कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। लंबे समय तक टाइम डिपॉजिट अकाउंट, क्योंकि बैंकों को पता होता है कि निश्चित समय तक इतना अमाउंट उनके पास रहने वाला है, वो उसको आगे कमर्शियल पर्पस के लिए, लोन देने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे अकाउंट में पैसे जमा करवाने पर ब्याज भी ज्यादा मिलता है। सिमिलरली एक अकाउंट है RD अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रीअकर से बना है, बार बार होना, रीअकर होना, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस टाइप के अकाउंट में जब कोई कस्टमर अपना पैसा जमा करवाता है, उसको हर एक निश्चित टाइम के बाद निश्चित अमाउंट जमा करवानी ही होती है, और कुछ 5 साल 2 साल 10 साल वो कंटिन्यूअस में जमा करवाता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आजकल एक ट्रेंड चल रहा है लोगों को छोटी छोटी बचत उत्साहित करने के लिए, स्पेसिफिकली हमारे यंग वंस को, जो अन्य इसके अलावा जो नॉन वर्किंग ये लेडीज हैं, घर में हैं, घर का काम कर रही हैं, उनको बचत को उत्साहित करने के लिए आमतौर पर जो होम सेफ सेविंग अकाउंट का एक प्रोसेस चल रहा है। जस्ट लाइक मैं सिंपल शब्द को गोलक देना, घर में एक सेविंग बैंक बना देना, एक गोलक दे देना, उसमें छोटी छोटी सेविंग इकट्ठी कर दो, बैंक का कोई एम्प्लॉय या कोई बैंक का एजेंट आकर एक निश्चित टाइम के बाद वो पैसा उस लॉकर में से निकाल कर ले जाता है उस गोलक में से, और जाके उस व्यक्ति के अकाउंट में जमा कर देता है। ये सारे ढंग हैं जिस ढंग से बैंक के पास जो लोग, जो कस्टमर हैं बैंक के, वो अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। ये था प्राइमरी फंक्शन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक का, दैट इज टू गिव एडवांस लोन, लोगों को लोन देना, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। बैंक के पास पैसा आ गया, हर देश की अपनी कंडीशन के अनुसार उसने कुछ पैसा कैश रिजर्व रेशो के रूप में अपने पास रखना है, ताकि अचानक कोई कस्टमर लेने आ जाए, अगर सारा ही पैसा लोन में दे देगा तो वो तो पॉसिबल नहीं, लेकिन बाकी पैसा उसने आगे लोन के रूप में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने कस्टमर्स को या दूसरे लोगों को, जिनको भी जरूरत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, कोई भी कस्टमर जो चाहता है उसको वो आगे लोन के रूप में पैसा दे देते हैं।
एडवांस जो लोन दिए जाते हैं उसके भी कई ढंग है, जिसमें से उसमें से एक है कैश क्रेडिट। लोगों को जितना पैसा चाहिए अपने बैंक की शर्तों के अकॉर्डिंगली, जो उनकी पॉलिसी है, कैश के रूप में पैसा प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा एक फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की, जो बिजनेसमैन होते हैं क्योंकि उनके करंट अकाउंट होते हैं, दिन में बहुत सी ट्रांजेक्शन होती हैं, उनको पता नहीं चलता भी बैंक में कितना पैसा जमा है, तो वो कई बार ओवर पेमेंट कर जाते हैं। उस हालत में उनको किसी कानूनी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो उस हालत में बैंक से वो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति के अनुसार ओवरड्राफ्ट लिमिट जारी करवा लेते हैं। मतलब जितना पैसा जमा है उससे भी ज़्यादा कस्टमर निकाल सकता है, उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इट्स आल्सो जस्ट लाइक अ लोन, इससे भी व्यापारी उस लिमिट तक एक्स्ट्रा पैसा भी निकाल सकता है, पर उसके बदले में इंटरेस्ट लेते हैं, ये ध्यान रखना। ये भी एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा है डिमांड लोन। जिस कॉन्सेप्ट के लिए आपने लोन लिया, जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट चलता है उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लोन मिलता रहता है, तो ये भी एक लोन देने का ढंग है जो कमर्शियल बैंक अपनाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंगली देखें, ये डिफरेंट टाइप के लोन है, वो पहले वालों में से कोई भी हो सकता है। थोड़े समय के लिए लोन दिए जाते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, वो सारे शॉर्ट टर्म लोन है। अगर लोन को वापस करने की अवधि 5 साल, 10 साल, 20 साल है, उसको हम लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। इस ढंग से भी लोन एडवांस देने का एक प्रोसीजर है कमर्शियल बैंक में। लास्ट वन है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। ये क्या होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स बेटर जानते हैं। मान लो दो बिजनेसमैन आपस में उधार सेल परचेज कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने उधार सेल की, उसके पास पैसे आएंगे, कैसे, उसका प्रूफ होता है, एक बिल लिखा जाता है, उस पर जिस व्यक्ति ने पैसे देने हैं वो सहमति देता है कि मैं 6 महीने बाद पैसे दूंगा, पर जिसने पैसे लेने थे उसको आज ही चाहिए, वो बिल लेके बैंक के पास चला जाता है। बैंक उसमें से कुछ पैसे काट कर उसको दे देता है, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं, जो पैसे काटता है। उसमें बैंक की भी इनकम होगी और व्यापारी की जरूरत पूरी होगी, यह भी एक तरह का लोन ही हो गया, क्योंकि जब उसकी 6 महीने बाद पेमेंट होगी तो बैंक के पास आ जाएगी जिसने पैसे देने हैं। तो इस ढंग से एडवांस लोन प्रोवाइड करने का काम भी एक प्राइमरी फंक्शन के रूप में कमर्शियल बैंक करते हैं। थर्ड वन इज द क्रेडिट क्रिएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आज की मॉडर्न इकोनॉमी क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब हम इस पीरियड में गुजर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग की बात करते हैं, तो उस हालत में जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है कमर्शियल बैंक बड़ी स्पीड से कर रहे हैं। वैसे होता क्या है क्रेडिट क्रिएशन, मैं बताता हूं आपको। मान लो बैंक ने किसी व्यक्ति को 2 करोड़ लोन दिया, अब जिस बिजनेसमैन को या जिस व्यक्ति को लोन दिया था वो सारा पैसा खुद खा तो नहीं ना जाएगा कि पैसा ही खा लेगा, नो, वो उसको कहीं ना कहीं खर्च करेगा। जिन व्यक्तियों के पास भी वो पैसा जाएगा, किसी के पास 5 लाख, 10 लाख ऐसे जाएगा, वो भी उसमें से कुछ ना कुछ पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे जो उनके होंगे, पर पैसा पहुंच तो बैंकों के पास ही गया ना। फिर आगे बैंक उस आए हुए पैसे में से फिर लोन दे देते हैं, तो उसमें से आगे लोन जाएगा, उसमें से लोग भी जब खर्च करेंगे तो कुछ पैसा बैंकों में आएगा। इस ढंग से पैसा मल्टीप्लाई होता 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 बैंकों में वापस आता रहता है। इसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। ये इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। जो कमर्शियल बैंक है प्राइमरी फंक्शन के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन भी करते हैं, बहुत से काम करते हैं, तो वो उस फंक्शन को हम सेकेंडरी फंक्शन के नाम से जानते हैं। वो उसको 2 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। एक तो है एजेंसी फंक्शन। जब बैंक एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, उस हालत में किए गए कामों के रूप में जो बैंक काम कर रहे हैं उनको हम एजेंसी फंक्शन कहते हैं। एजेंट के रूप में काम करना, जहां कमीशन मिलने वाली है किसी का कोई काम करने के बदले में। दूसरा इसी हिस्से में होता है टू प्रोवाइड यूटिलिटी सर्विसेज, लोगों को कुछ सेवाएं उपलब्ध करवाना। तो अब दोनों के बारे में बार बार करते हैं। सबसे पहले एक ढंग से बात करेंगे के बारे में। सबसे पहले एजेंसी फंक्शन क्या है, जब बैंक एजेंट के रूप में काम करता है बदले में उसको कमीशन मिलनी है, कुछ ना कुछ उसको मिलेगा क्योंकि लोगों को वो एक एजेंट के रूप में काम करके उनका काम कर रहा है। उसमें सबसे पहले है पेमेंट एंड रिसीट्स। जो बैंक है कमर्शियल बैंक, वो लोगों के बिहाफ पर, अपने कस्टमर के बिहाफ पर पेमेंट करने का काम और पैसे रिसीव करने का काम करते हैं। जैसे मैं एक कस्टमर हूं, मैंने अपने बैंक को बोला कि मेरी इंश्योरेंस की जो किश्त है वो इस मंथ को 30 तारीख को पेमेंट करनी है, इतनी किश्त है। इसके अलावा मैंने बोल रखा था उसको कि आप टाइम टाइम पे मेरा टैक्स भी पे करोगे, तो बैंक टैक्स पे करता है मेरे बिहाफ पर, अपने कस्टमर के बिहाफ पर।
इसी तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, और बहुत सी पेमेंट्स हो सकती हैं जो बैंक कर सकता है कस्टमर के अकॉर्डिंगली। इसी तरह से मैंने बैंक को बोला जितने भी मेरे चेक और ड्राफ्ट आएंगे आप मेरे अकाउंट में जमा करते रहोगे, मेरे बिहाफ पर बैंक रिसीव कर रहा है, मेरे अकाउंट में जमा कर रहा है। तो उस ढंग से बैंक पेमेंट रिसीव करने का काम करता है एज ए एजेंट, और बदले में उसको उसमें से कुछ थोड़ी सी अमाउंट मिलती है जिसको हम कमीशन भी कह सकते हैं, उसके बैंक चार्जेस भी कह सकते हैं जो बैंक चार्ज करता है। सेकंड वन इज द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती हैं? शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स। कॉमर्स के स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। जब बिजनेसमैन ने कहीं इन्वेस्ट करना है जिससे उसको ओवर प्रॉफिट मिल सके, किसी कंपनी का हिस्सा मिल सके, डिवेंचर्स परचेज कर सके, तो इनको परचेज करने का काम भी, उनको सेल करने का काम भी सिक्योरिटीज को ये कमर्शियल बैंक करते हैं अपने कस्टमर के कहने पर। ये ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एजेंसी फंक्शन है जो बैंक अपने कस्टमर को सुविधा देते हैं। इसके अलावा टू एक्ट एज ए ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बैंक ट्रस्ट क्या होता है? मान लो किसी व्यक्ति ने बहुत सा पैसा था, उसने अपनी वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद इतने पैसे से एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया जाएगा, दान वाला ट्रस्ट, उसमें जितना पैसा होगा वो डाल देता है। लेकिन उसका जो एग्जीक्यूटर है, उसको चलाने वाला, वो बैंक को बना देता है। बैंक उस ट्रस्ट को एग्जीक्यूट करने वाला है, उसके बदले में वो अपना चार्जेस लेता है। इस ढंग से बैंक ये वाला भी फंक्शन करता है जिसको हम कहते हैं टू एक्ट एज अ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर ऑफ ए कस्टमर्स। नेक्स्ट वन इज द मनी ट्रांसफर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये तो हमें पता है, कस्टमर ने या किसी संस्था ने अपने पैसे ट्रांसफर करने, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, एक देश से दूसरे देश में अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसफर करने का जो काम है वो भी बैंक करता है, बदले में वो एज ए एजेंट काम कर रहा था, तो इसके कुछ चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट वन है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी जो मुद्रा होती है उसको खरीदने और बेचने का काम भी ये जो कमर्शियल बैंक है करते हैं। हमें कैनेडियन डॉलर चाहिए तो हम वो ले सकते हैं, पैसे देंगे, डॉलर ले लेंगे, बीच में इसके चार्जेस होंगे बैंक के। इसी ढंग से हमें अमेरिकन डॉलर चाहिए तब वैसे ही होगा। तो कभी भी फॉरेन जो एक्सचेंज है, विदेशी मुद्रा है, उसको परचेज करने और सेल करने का काम भी जो कमर्शियल बैंक है ये करते हैं। इसके अलावा टू इशू क्रेडिट लेटर्स। बैंक अपने कस्टमर्स को इंटरनेशनल ट्रेड में उसकी बैठ बिठाने के लिए, उसकी साख को मजबूत बनाने के लिए क्रेडिट लेटर भी इशू करते हैं जिससे उसकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसका पता चलता है। क्रेडिट लेटर ये शो करते हैं कि इस व्यापारी की इतनी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है, उसको उसको फेवर करते हुए व्यापारियों को ये लेटर इशू कर देते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में वो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है जो क्रेडिट लेटर इशू किए जाते हैं। तो ये हैं कुछ वो फंक्शन जो सेकेंडरी फंक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है व्हेन बैंक वर्क एज ए एजेंट, जिसको हम एजेंसी फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा जब हम सेकेंडरी फंक्शन के सेकेंड पार्ट की बात करें एजेंसी फंक्शन के बाद, वो है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स। बहुत सी साधारण जो सेवाएं हैं आम जरूरत की, उनको कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं, जैसे जिसमें से ऐसे लॉकर फैसिलिटी, बैंक अपने कस्टमर को बैंक में लॉकर देता है जिसमें लोग अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को, कीमती चीज़ों को रखते हैं, वो गहना हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी। इसके अलावा बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू कलेक्ट डाटा। अगर देश के जो सेंट्रल बैंक है उसको कोई डाटा कलेक्ट करना है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड, तो जो कमर्शियल बैंक है वो डाटा कलेक्ट करके भी देते हैं, किसी भी तरह का डाटा जो यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है टैक्स एज वर्क एज अ टैक्स कंसल्टेंट। बैंक लोगों के टैक्स सलाहकार के रूप में भी काम करने लगे हैं। बैंक उनको सलाह देते हैं कि हाउ टू पे द टैक्स, उनके टैक्स पे करने में उसको कैसे पे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, कितना टैक्स बनता है, ऐसी कंसल्टेंसी जो है सलाह देने का काम भी बैंक करने लगे हैं, जिसको कमर्शियल बैंक का ये एक काम है जो पब्लिक यूटिलिटी के रूप में लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। इसके अलावा है इशू ट्रेवलिंग चेक्स। यस, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है, लेकिन आजकल टाइम के साथ जैसे जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, इशू ट्रेवलिंग चेक्स का फंक्शन आम लोगों पे गायब हो रहा है। ये क्या होता था जब ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी, बैंक, क्योंकि व्यक्ति ने अगर कहीं ट्रैवल करना है, जाना है, इतना कैश लेकर जाना बड़ा रिस्की हो जाता था, गुम हो सकता है, कोई छीन सकता है, तो उसको एक ट्रैवलिंग चेक इशू कर देते थे।
पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं थी, अपने अकाउंट में यहाँ पैसे जमा करवाने, ट्रैवल चेक साथ में होता था उसमें से पेमेंट होती रहती थी, इस ढंग से पैसे को लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये भी ट्रैवल चेक इशू करने का एक इंपॉर्टेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है जो लोगों को प्रोवाइड की जाती है कमर्शियल बैंक के द्वारा। आज के टाइम में डियर स्टूडेंट्स, जो ऑनलाइन बैंकिंग होने लगी है, बहुत सी और फैसिलिटीज आती गई हैं मार्केट में, ये भी कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। एटीएम कार्ड की फैसिलिटी है, ऑनलाइन बैंक, नेट बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं हमें कमर्शियल बैंक से मिल रही हैं, तो ये भी इनके कामों का एक हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, आज के जो हम कमर्शियल बैंक के फंक्शन की बात कर रहे हैं, तीसरे स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं, वो है फंक्शन रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देश के आर्थिक विकास से संबंधित काम भी कमर्शियल बैंकों के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, जैसे मैंने शुरू में बताया, जैसे जैसे मार्केट में ये उधार देते हैं उसमें से लोग इन्वेस्ट करते हैं तो पूंजी का निर्माण होता है। तो देश के जो आर्थिक तरक्की है उसमें कैपिटल फॉर्मेशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जितना ज्यादा पूंजी निर्माण होगा देश इकोनॉमिकली उतना डेवलप करता है। नेक्स्ट वन का इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कमर्शियल बैंक है वो देश की आर्थिक गतियों पर डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक एक्टिवली काम करेंगे, क्रेडिट क्रिएट करेंगे, लोगों को साख सुविधाएं देंगे, लोगों को पैसा जमा करवाने के लिए उत्साहित करेंगे, तो देश में मनी का जो सर्कुलेशन है वो तेजी के साथ बढ़ता है, जिससे देश की आर्थिक तरक्की होती है। नेक्स्ट, डेवलप इंटेग्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी सिस्टम। देश में एक कंबाइंड संयुक्त जो मौद्रिक सिस्टम होता है, प्रणाली होती है, उसको डेवलप करने में सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर गवर्नमेंट की नीतियों के अनुसार उसको डेवलप करने में कमर्शियल बैंक की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। अगर देश में एक संयुक्त रूप से कंबाइंड वेल बैलेंस्ड जिसको कहते हैं मॉनेटरी सिस्टम लागू हो जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम या पॉलिसी, सिस्टम तो बन गया, उसको अब लागू भी करना है। उस पॉलिसी या मॉनेटरी सिस्टम को लागू करने का काम भी कमर्शियल बैंक करते हैं। सेंट्रल बैंक ने बना दिया कि इतना लोन इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए देना है, पर वो देगा कौन? कमर्शियल बैंक भी तो देते हैं ना, तो कमर्शियल बैंक उस मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने का काम करते हैं, किस ढंग से देश के मॉनेटरी सिस्टम को चलाना है। इसके अलावा हेल्पफुल इन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, किसी भी इकोनॉमी का जो मेन आधार होता है वहां पर कंज्यूमर द्वारा की जाने वाली डिमांड होती है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो नेचुरली प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा होगी, देश डेवलप होगा। जो एग्रीगेट डिमांड है इसको बढ़ाने में बैंकों द्वारा दिया जाने वाला लोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक लोन देंगे, मार्केट में लिक्विड जिसको कैश कहते हैं वो आएगा, तो डिमांड बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के साथ ही देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ये काम भी जो कमर्शियल बैंक है ये करते हैं, ध्यान रखना। हेल्पफुल इन ये तो हो गया, इसके अलावा हेल्पफुल इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो देश में रोजगार के अवसर है ना वो पैदा करने में भी कमर्शियल बैंकों की भूमिका है। अगर लोन देंगे तो उसमें से इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, तो देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो देश में नेचुरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कमर्शियल बैंकों का। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, किसी देश की सरकार किस सेक्टर को प्रायोरिटी देती है, पहल देती है कि इसकी डेवलपमेंट करनी है। देश की गवर्नमेंट चाहती थी कि एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करना है तो एजुकेशन सेक्टर के लिए लोन, अगर हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना है तो हेल्थ सेक्टर के लिए लोन, इस ढंग से नीतियां बनाना, उनको लोन प्रोवाइड करना, उसमें इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए स्टेप लेना, ये कमर्शियल बैंकों का काम है। इसके अलावा एक है बैलेंस्ड डेवलपमेंट, हर देश चाहता है कि देश में अगर बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो, सारे रीजन और सारे सेक्टर जो इकोनॉमी के एक संतुलित विकास कर सके, तो उसमें कमर्शियल बैंकों की सबसे ज्यादा भूमिका है। अगर कमर्शियल बैंक किसी एक सेक्टर को ही लोन देते रहे, एक स्टेट को ही देते रहे, तो बाकी डेवलपमेंट नहीं होगी। बैलेंस डेवलपमेंट तभी होती है जब कमर्शियल बैंकों के द्वारा मनी का सर्कुलेशन, क्रेडिट क्रिएशन सारे देश में बैलेंस्ड रूप से चलता है, तो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। देश के अगर जो मैंने बातें बताई हैं वो सारी होंगी, देश में बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए तरह तरह के स्टेप्स होंगे, इंटेग्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तो नेचुरली है देश का जो ट्रेड और इंडस्ट्री है वो डेवलप करेगा। देश में जितना भी व्यापार हो रहा है, इंडस्ट्री हो रही है डेवलप, उसमें कमर्शियल बैंकों की अहम भूमिका है। कमर्शियल बैंकिंग क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जिससे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक द होल कंसेप्ट इज क्लियर। बड़ा आसान टॉपिक है ये, इसको ध्यान से समझें,
परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा आपका। अगर कोई कंसर्न है आप नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर देयर। इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सी वीडियो हैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, मोटिवेशनल वीडियोज भी इस चैनल पर हैं, आप उनको भी देखिए। आने वाली वीडियोज का इंतजार कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।